हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त पंकज शर्मा और स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में जो होने वाली है मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे 119 या 34 के बारे में। और अभी हम साकेत से निकल के पहुंच चुके हैं बक्सर और यहां तक डिवाइडर रोड तक अभी इस हाईवे का कोई भी काम नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ से जब हम आगे निकलते हैं डिवाइडर को क्रॉस करके, तो डिवाइडर ख़त्म होने से थोड़ा सा पहले ही ये रोड को, एक साइड की रोड को बंद किया गया है और सिर्फ वन साइड ही चालू की गई है। और आगे जो दूसरी, अभी मेरे लेफ्ट साइड की जो रोड है वो आगे टूटी हुई है, तोड़ रहे हैं इसको, तोड़ के दोबारा बनाएंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे की। और आज हम जाने वाले हैं टोल प्लाजा तक कि कहाँ पर टोल प्लाजा होने वाला है। अभी यहाँ देख पा रहे होगे कि जो हमारे लेफ्ट साइड की रोड है वो कम्प्लीटली तोड़ दी गई है। अब यहाँ यशोदा कुंज पर हम पहुँच चुके हैं, तो यहाँ अभी कोई ख़ास काम नहीं दिखाई दे रहा है नेशनल हाईवे 119 का। अब आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से थोड़ा सा निकलने के बाद में अब आगे FIT कॉलेज के पास से यहाँ पर सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, मिट्टी बिछा के मिट्टी का लेवलिंग किया जा रहा है और एक साइड की रोड बना दी भी गई है, दूसरी साइड में मिट्टी डाल के मिट्टी की लेवलिंग की जा रही है। और आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि ये वीडियो मेरठ से और मवाना और मवाना से आगे, छोटा मवाना से आगे जहाँ पर टोल प्लाजा होने वाला है, तो ये वीडियो टोल प्लाजा तक होने वाली है। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं सैनी से पहले जो काली नदी है वहाँ पर। तो काली नदी के ऊपर जो पुराना पुल था जिस पर आना जाना नहीं था उसको तोड़कर अब नए पुल का निर्माण किया जा रहा है। दोनों साइडों में काम चल रहा है इस पुल के और आगे सैनी गांव में हम पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बीच की वीडियो थी यानी कि रजपुरा से और यहां तक की, वो वीडियो पता नहीं रिकॉर्ड नहीं हो पाई या डिलीट हो गई, तो इस वजह से मैं बीच का पार्ट आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। पर इन फ्यूचर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी पहुंच चुके हैं हम सैनी। अब यहाँ पे जो सड़क के किनारों पे, सड़क की साइडों में जो घर वगैरह थे वो हटा दिए गए हैं, सड़क को चौड़ा किया जा रहा है और कुछ घर अभी बाकी हैं जिनको हटाया भी जा रहा है, तोड़ा जा रहा है जिन घरों को, दोनों साइडों में रोड के आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लोगों के घर रोड के पास में ही थे तो उन घरों को पीछे किया गया, कुछ घरों को हटाया गया है। अब यहाँ से जब हम सैनी से आगे निकलते हैं तो यहाँ हमें सीधा सामने देखने के लिए मिलता है कि फ्लाईओवर का काम हमें देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ से डाइवर्जन हो जाता है, यहाँ ये फ्लाईओवर सैनी गांव को क्रॉस करने वाला है। तो इससे आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाता हूं मैं कि कितना काम हो चुका है, कितना काम अभी बाकी है। तो सैनी गांव से एक अंडरपास होने वाला, जब सैनी से हम इंचोली की तरफ चलेंगे तो आगे यहां आप साइड में देख सकते हो कि जो फ्लाईओवर है उसका काम तेजी से चल रहा है। एक साइड में अब मिट्टी की लेवलिंग की जा रही है, मिट्टी बिछा भी दी गई है। बाकी अब बढ़ते हैं हम इंचोली की तरफ। काफी लंबा फ्लाईओवर होने वाला है ये, और इस रूट पर जितने भी फ्लाईओवर होंगे वो काफी लंबे फ्लाईओवर हैं। अब जब फ्लाईओवर को हम क्रॉस करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक साइड की रोड कंप्लीट भी कर दी गई है, बना दी गई है, पर अभी ट्रैफिक उस पर कन्वर्ट नहीं किया है। यहां से अब आप देख सकते हो कि इंचोली की तरफ ये रोड
बना दी गई है जिस पर ट्रैफिक की आना जाना ट्रैफिक का लगा हुआ, और दोनों साइडों में अभी मिट्टी डालकर उसकी लेवलिंग का काम चल रहा है। और देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी रोड बनी है और काफ़ी चौड़ा ये हाईवे होने वाला है, 4 लेन ये हाईवे होने वाला है। और यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर बीच में डिवाइडर का काम चल रहा है, डिवाइडर बनाने का काम चल रहा है। अब पहुंच चुके हैं हम इंचोली, और यहाँ भी आप देख सकते हो कि साइडों से पेड़ वगैरह हटा दिए गए हैं, जो रोड के साइडों में घर थे उनको भी पीछे हटा दिया गया है। अब मिट्टी डालकर मिट्टी की लेवलिंग की जा रही है, रोड़ी वगैरह ऊपर से बिछाई जा रही है, और काफी तेजी के साथ में काम चल रहा है दोनों साइडों में। और यहाँ पर जो पुरानी रोड थी उससे काफी ऊपर उठाकर, यानी कि उससे काफ़ी ऊंचाई पर यह हाईवे यहाँ पर बनाया गया है, तो मिट्टी भी काफ़ी डाली जा रही है यहाँ पर। अब बढ़ते आगे, तो ये थी इंचोली, ये था इंचोली थाना। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ दोनों साइडों में मिट्टी डालकर मिट्टी की लेवलिंग की जा रही है। अभी तक ये हाईवे का पार्ट सबसे लंबा यानी सबसे ज़्यादा बना हुआ है, और दोनों साइडों में मिट्टी डाल के और मिट्टी की लेवलिंग की जा रही है। कुछ जगहों पर रोड़ी भी बिछा दी गई है, और जल्दी ही मेरे लेफ्ट साइड में जो आप जगह देख पा रहे हो वहाँ भी रोड तैयार हो जाएगी। अभी आप देख भी पा रहे होंगे कि जो दोनों साइडें हैं मेरी, दोनों साइडों में मिट्टी बिछाई जा रही है, मिट्टी बिछाकर सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। और यहाँ पर पेड़ वगैरह काफ़ी हुआ करते थे, तो अब वे पेड़ सब हटा दिए गए हैं, काट दिए गए हैं, और काफ़ी तेज़ी के साथ में यहाँ पर काम हो रहा है। तो इंचोली को पार करने के बाद में हमें एक और फिर फ्लाईओवर देखने के लिए मिलता है। यहाँ देख भी सकते हो कि फ्लाईओवर के लिए रोड भी बिछा दी गई है। और फिर बढ़ते हैं आगे वीडियो में, तो दोस्तों इस फ्लाईओवर को पार करने के बाद ये हाईवे हमारे लेफ्ट साइड में टर्न होने वाला है, क्योंकि ये हाईवे मसूरी के अंदर से ना जाके मसूरी से बाहर की साइड में चला जाएगा। तो मसूरी के खेतों से होता हुआ और मसूरी के बाद जाकर फिर ये वापस इसी रोड पर मिलने वाला है। तो अब यहाँ से ये हमारे लेफ्ट साइड में टर्न हो गया है, और आगे इधर की साइड में हम जा नहीं सकते, तो मैं आपको अब आगे दिखाऊंगा मसूरी के बाद।
तो मसूरी को पार करने के बाद में अब ये हाईवे वापस आकर इसी रोड पर मिल जाता है। और यहाँ पर देख सकते हो आप कि एक और फ्लाईओवर होने वाला है जो बनागांव है वहाँ पर, तो ये काफ़ी बड़ा फ्लाईओवर होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होने वाली है इस फ्लाईओवर की। तो अभी हम चलते हैं और यहाँ भी अभी फ्लाईओवर वगैरह के लिए मिट्टी डालकर लेवलिंग की जा रही है। बाकी बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अभी इस फ्लाईओवर को क्रॉस करके हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि हाईवे को कंप्लीट कर दिया गया है, दोनों साइडों की रोड को बना दिया गया है, बीच में डिवाइडर बना दिया गया है, डिवाइडर पर मिट्टी वगैरह डाल दी गई है। तो यहाँ पर हमें काफ़ी काम देखने के लिए मिलता है। वैसे तो एक ही साइड की रोड वर्किंग में है, पर हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों साइडों में और सर्विस रोड भी शायद काफ़ी हद तक तैयार कर दी गई है, जो आप देख पा रहे होंगे कि अभी एक साइड ही वर्किंग में है, दूसरी साइड रोड बन तो चुकी है पर अभी वो वर्किंग में नहीं है। और हम लगभग पहुंच चुके हैं नंगली जो गांव पड़ता है, और आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ भी देख सकते हो आप कि दोनों साइड की रोड बना दी गई है। अब यहाँ पर फिर से हमें एक डाइवर्जन देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पर एक और फिर फ्लाईओवर होने वाला है। तो अभी हम साइड से चल रहे हैं, कुछ रोड फ्लाईओवर से पहले बना भी दी गई है। तो ये फ्लाईओवर होने वाला है छोटा मोवाना का, तो अगर किसी को मोवाना जाना है तो इस फ्लाईओवर के नीचे से क्रॉस करेगा। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, तो फ्लाईओवर के नीचे से सीधे चले जाए, फ्लाईओवर के नीचे से चले जाएंगे मवाना के लिए, मवाना या हस्तनापुर वगैरह के लिए। तो यहाँ पर अंडरपास बनाया है मवाना जाने वाले लोगों के लिए, लेकिन अभी हम आगे चलेंगे सीधा। और जो टोल प्लाजा होने वाला है, टोल प्लाजा तक हम चलने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
तो ये भी फ्लाईओवर काफ़ी बड़ा होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होने वाली है इसकी भी। तो इस फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद में हम देखते हैं कि जो फ्लाईओवर की साइड वाली रोड है, फ्लाईओवर से जो रोड आ रही है वो रोड बना दी गई है, और बाकी अभी हम सर्विस रोड पर चल रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा ठीक कर दिया गया है रोड को, तो यहाँ पर काफ़ी काम देखने के लिए हमें मिलता है, और आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर रोड को काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है, रोड बन गई है। बीच में आप डिवाइडर देख सकते हो कि बीच में अब यहाँ पर दोनों साइड की रोड बन चुकी है, और साथ ही साथ अभी एक ही साइड की रोड को वर्किंग में रखा गया है, दूसरी साइड की रोड को अभी वर्किंग में। अब कुछ दूरी पर जाकर टोल प्लाजा होने वाला है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि पुरानी रोड है, और मेरे राइट साइड में मिट्टी और रोड़ी डाल दी गई है, और लेफ्ट साइड में अभी मिट्टी डालकर उसकी लेवलिंग का काम चल रहा है। और यहाँ आप देख भी सकते हो कि जो ये हाईवे का पार्ट होने वाला है, ये जो हमारी पुरानी रोड थी उससे कितना ऊपर होने वाला है, तो लगभग 2 से 3 फुट ऊपर ये यहाँ पर होने वाला है। तो जो हम साइडों में देख पा रहे होंगे, आपकी साइड में हमारे मिट्टी डालकर मिट्टी की लेवलिंग की जा रही है, और ये जो अभी पार्ट है, ये सारा पार्ट लगभग काफी चौड़ा पार्ट है ये, तो यहाँ पर ज्यादा काम नहीं हुआ, अभी मिट्टी की लेवलिंग ही की जा रही है, सड़क को चौड़ा कर दिया गया है, और जो साइडों के पेड़ वगैरह थे वे सब काट दिए गए हैं। तो यहीं से ये पार्ट होने वाला है टोल प्लाजा का, अभी देख भी पा रहे होगे क्योंकि टोल प्लाजा के पास में काफी चौड़ी सड़क होती है, तो यहाँ पर कई लाइन हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, तो काफी चौड़ी रोड है। और अगर सामने आप देख पा रहे होगे तो ये पोल्स वगैरह दिखाई दे रहे होंगे, ये पोल्स हैं टोल प्लाजा के, तो यहाँ आकर होने वाला है टोल प्लाजा। अब यहाँ से आगे अगर आप 4 व्हीलर से हैं तो आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, और ये टोल टोल प्लाजा की बिल्डिंग वगैरह है, और टोल प्लाजा के दूसरी साइड में भी आप देख सकते हो कि अभी सड़क को चौड़ा किया जा रहा है और मिट्टी डालकर मिट्टी की लेवलिंग की जा रही है, तो यहाँ अभी कोई खास काम अभी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, अभी रोड भी यहाँ पर नहीं बनी है, अभी मिट्टी डालकर मिट्टी को लेवल में ही किया जा रहा है, कुछ थोड़ा सा पार्ट कुछ पार्ट में रोड़ी भी बिछा दी गई है।